आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ बना रही हूँ। आपको लगता है ये केक है, ये कोई केक नहीं है, इसको हम पोड़ो पिठा बोलते हैं। और ये उड़द दाल और राइस से बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार बना के खाएंगे तो आपको लगेगा बार बार बनाना है। ये जो रेसिपी है मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन आज इसलिए बनाया कि हमारे उड़ीसा में अभी एक ओकेजन चल रहा है जिसको हम रोजो बोलते हैं। और इस टाइम पे हर एक घर में ये डिश ज़रूर बनी होगी, तो सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर राइस और उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा था। ये मैंने पील वाला लिया था तो अच्छे से इसका पील भी निकाल लिया है। इसको आपको एक फाइन पेस्ट बनाना है, देख सकते हैं, ज़्यादा लिक्विड नहीं, ज़्यादा थिक नहीं, एक अच्छी प्रोपोर्शन में आपको बनाना है। ऐसे बना के इसको हाफ एन आवर के लिए इसको साइड में रख देना है। अब चलते हैं हम एक मसाला तो नहीं, इसका जो मिडिल में स्टफिंग देंगे वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा काजू ऐड कर दिया है। आपको मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। जब काजू अच्छे से फ्राई हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कोकोनट को स्लाइस करके रखा था, ये मैं डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो मिडिल में भी दे सकते हैं या फिर जो बैटर है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे तो वहाँ पर भी हीट में ही और थोड़ा सा कुक हो जाएगा, तो थोड़ा सा लाइट कलर में ही इसको आपको बंद कर देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बाउल में इसको निकाल लिया है। अभी उसी सेम पैन में मैं यहाँ पर जागरी यानी कि गुड़ ले रही हूँ। इसको अच्छे से आपको क्रश कर लेना है। मैंने क्रश नहीं किया था, मुझे बहुत टाइम लगा था। देखिए वो बहुत टाइम लेता है मेल्ट होने में। बहुत सारे डिफरेंट के जागरी आता है, को एक एक का जो होता है कि आराम से लिक्विड ही हो जाता है, और कुछ कुछ होता है कि बहुत टाइम लगता है। अगर उस जो ज़्यादा टाइम लेता है उस टाइम पे आप थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी ऐड कर देंगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको मेल्ट कर दिया है। और जो नारियल था उसको मैंने ग्रेट करके रखा था, उसको मैं अभी ऐड कर रही हूँ। आप इस स्टेज में कार्डमम यानी कि इलायची और ब्लैक पेपर पाउडर पे ऐड कर सकते हैं, या मैंने इसे बाद में ऐड किया था। इस टाइम में ऐड करेंगे तो जो उसका जो फ्रेगनेंस है वो चला जाएगा। इसको एक दो मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। देख सकते हैं ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे दो तीन मिनट के बाद इसको आपको बंद कर देना है। इसको अभी हम एक साइड में रख देंगे और चलते हैं हमारा जो हमारा बैटर है उसको बनाएंगे। एक बड़ा सा बाउल लेना है, क्योंकि हमें जो बैटर है इसको अच्छे से मिक्स करना है और बहुत टाइम लगता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। ज़्यादा टाइम अच्छा चीज़ खाने के लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना है। देखिए मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आपको अराउंड 5 to 10 मिनट्स इसको ब्लेंड करना है और अच्छे से व्हिस्क करना है, जिससे कि वो अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। जो केक में वो लगाते हैं या क्रीम वगैरह उस टाइप का कंसिस्टेंसी आ जाना चाहिए। इसको 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से व्हिस्क कर दें। इस स्टेज में आपको थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा है तो ऐड करेंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं अभी जो राइस का बैटर है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको ब्लेंड कर देना है। ये जो रेसिपी है इसका जो मेन प्रोसेस है ये है, आपको अगर ब्लेंडर नहीं हो तो हाथ में या फिर जो हैंड में आता है यूज़ करने के लिए वो आप यूज़ करना है। और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस 10 से 15 मिनट वही करना है। उसके बाद आपको उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मिनिमम 15 to 20 मिनट्स रेस्ट के बाद आपको उसमें, अभी मैंने यहाँ पर सॉल्ट और जागरी ऐड कर दिया है। अगर ज़्यादा स्वीट पसंद करते हो और थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम स्वीट खाती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने ऐड किया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर और कार्डमम पाउडर को क्रश करके रखा था, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और कुछ नारियल को ऐसे फाइनली चॉप करके रखा था, उसको भी ऐड कर दिया है। और देसी घी का टेस्ट और मज़ा कुछ अलग ही है।
तो उसको भी मैंने सारी चीज़ों को अभी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें चलना है लास्ट इस प्रोसेस, इस रेसिपी का लास्ट जो पोर्शन है वो बनाएंगे एक प्रेशर। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में बना दिया था। देखिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप इस टाइम इस स्टेज में कंजूसी मत कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे तो वो नीचे चिपक जाएगा और जल भी जाएगा। इसलिए देखिए अभी जो बैटर है, मैं गैस का जो फ्लेम है आपको लो ही रखना है, हाई पे रखेंगे तो हाथ वाथ जल जाएगा आपका। तो इस स्टेज पे मैंने जो बैटर है उसको ऐड कर दिया था, जो मैंने कोकोनट का जो बनाया था स्टफिंग वो मैं ऐड कर रही हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है इसमें 4 चांद लग जाएगा। उसके बाद अगेन आपको सेम बैटर ऐड करना है और सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। अभी मैं देखिए जो डो बैटर रखा था उसको मैं हल्के हल्के से धीरे धीरे इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने जो कैश्यू और नारियल को घी में रोस्ट करके रखा था यहाँ पर मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा जो था मेरा स्टफिंग वो मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ कर दिया है। देखिए ऐसे सजा के रखा है, आप चाहे तो ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। लुक तो चाहिए ही चाहिए हर किसी को, पहले लुक पसंद आता है उसके बाद वो लोग टेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा सजा दिया है उसको। और देखिए काजू को भी मैंने ऐड कर दिया है इस टाइप के। आपको आप जिस डिज़ाइन को पसंद करते हैं आप उस टाइप के बना सकते हैं। हो गया है सारा का सारा काम, अब हमें कर देना है इसको अच्छे से कवर। हमें यहाँ पर जो प्रेशर कुकर का कवर आता है उसका सीटी निकाल देना है। सीटी निकाल के इसको यहाँ पर रख देना है अराउंड 30 और 25 मिनट्स में इसको ऑफ कर दीजिए। अगर नहीं हुआ था आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक नाइफ की हेल्प से चेक करे हूँ। अगर इसमें कुछ भी नहीं लगा है तो हमारा जो रेसिपी है बन गया है, देख सकते हैं सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस हमारा ओरो पिठा बन के तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।